अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो दोस्तों आ रही है कतर एयरवेज की तरफ से। अनाउंसमेंट किया गया, कुछ पैकेज निकाला गया, हॉलीडे पैकेज। तो खबर दोस्तों ये है, कतर एयरवेज हॉलीडे अनवेल स्पेशल ट्रैवल पैकेज फॉर अरब कप। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फीफा अरब कप कतर 2021 वहां पे दोस्तों होने वाला है, उसकी वजह से वहां पे कतर एयरवेज की तरफ से दोस्तों वहां पे काफी सारी ऑफर वहां पे निकाला गया है हॉलीडे पैकेज के रूप में। तो यदि आप कोई भी आप यदि हॉलीडे मनाना जाना चाहते हैं तो कतर एयरवेज भी जाके टिकट बुकिंग करके दोस्तों उसका फायदा उठा सकते हैं। टिकट का किराया भी कम होगा, होटल बुकिंग भी कम होगी और भी कुछ सुविधाएं अलग से आपको दी जाएगी। तो जो लोग भी कतर में कहीं और घूमना चाहते हैं, किसी और देश जाना चाहते हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं कतर एयरवेज में टिकट को बुकिंग करके। अगली खबर साथियों जो आ रही है एमओआई की तरफ से आ रही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आ रही। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से आज के दिन ट्वीट करके बताया गया कि आज के दिन वहां पे कोविड-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए 255 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें से 244 लोग ऐसे थे जो कि मास्क नहीं पहने थे और एक लोग ऐसा पकड़ा गया है जिसके मोबाइल में एतराज एप्लीकेशन डाउनलोडेड नहीं था, जिसकी वजह से कुल मिला के 255 लोगों को पकड़ा गया जो कि बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए लॉ नंबर 17/1990 के तहत देश में इन्फेक्शन डिजीज को फैलाने और बढ़ावा देने के लिए उन सभी को पकड़ा गया। तो साथियों सभी को वहां पे फाइन लगाया गया, यदि वो लोग फाइन नहीं भरते तो उन लोगों को जेल जानी पड़ सकती है। साथ ही एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लोग अभी कतर में आप जाने वाले हो या फिर वहां पे रह रहे हो तो आपके मोबाइल में एतराज एप्लीकेशन होना वहां पे मैंडेटरी है। तो एतराज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो पकड़े जाते हो आप तो आपको बाहरी जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ये वहां पे इलीगल माना जाता है। अगली खबर साथियों जो आ रही है बताना चाहूंगा साथियों, इंडिया से आ रही बहुत ही अच्छी खबर साथियों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि इंडिया में काफी ज्यादा वहां पे जनसंख्या है, काफी ज्यादा आबादी है, जिसके वजह से इंडिया में काफी स्थिति खराब हो गई थी, केसेस काफी ज्यादा आ रहे थे। पर दोस्तों अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि इंडिया रिकवर भी काफी तेजी से किया और अब तक एक रिकॉर्ड बना दिया गया इंडिया की तरफ से कि वहां पे 100 करोड़ लोगों को वहां पे वैक्सीन दी जा चुकी है। जहां साथियों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 100 करोड़ लोगों को वहां पे वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से कुछ लोगों को एक डोज मिला है, कुछ लोगों को दोनों डोज कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये उपाधि जो है सिर्फ इंडिया को मिला है, दुनिया में इंडिया पहला ऐसा देश बन गया है जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का मुकाम हासिल किया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है एमओपीएच की तरफ से आ रही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से खबर ये आ रही दोस्तों कि आज के दिन वहां पे 66 वहां नए केसेस को वहां पे रजिस्टर किया गया, 20 वहां पे ट्रेवलर थे, वहीं पे 78 लोग वहां पे रिकवर हुए, टोटल वहां पे 236,653 लोग रिकवर हो चुके हैं, टोटल वहां पे 47,99,739 लोग अब तक वहां पे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। टोटल वहां पे टोटल दोस्तों वहां पे 83.5% अब तो वहां पे फुल्ली वहां पे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरी ताजा अपडेट थी कोविड-19 की, कुछ 19 की। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाने वाला साथी जो कि आ रही सऊदी अरेबिया से। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आप लोगों को पता होगा, मुझे ये पता है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उनके लिए ये है। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से दोस्तों जो मस्जिदुल हराम मक्का में जो नमाज होती थी दोस्तों, वहां पे जितनी मस्जिदें थी सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के जो स्टिकर लगाया गया था उसे हटा लिया गया है और बिना सोशल डिस्टेंसिंग यानी बिना गैप के नमाज पढ़ने की वहां पे अनुमति दे दी गई है। तो साथियों ये काफी अच्छी खबर है, सऊदी हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।